जिले अंतर्गत ब्लॉक माल खरोदा में एक बलात्कार पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए बलात्कार के आरोपी पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर आज 17 जून को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के ब्लॉक इकाई डबरा द्वारा SDM डबरा को ज्ञापन सौंप कर जल्द गिरफ्तारी की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गई। वहीं इसी तारतम्य में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जांजगीर चांपा इकाई के आह्वान पर सभी ब्लॉकों में ज्ञापन सौंप कर बलात्कार के आरोपी कलेक्टर जनक पाठक के जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। SDM डबरा के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सतनामी समाज इस घटना को लेकर भारी आक्रोश में है, जबकि घटना की रिपोर्ट 15 दिन से अधिक हो गई है, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुर्रे, उपाध्यक्ष भानु बंजारे और अनीता धृतलहरे, कोषाध्यक्ष कीर्तन टंडन, पुरुषोत्तम बघेल उपस्थित थे। DNX TV के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। संभाल कुर्रे है, मैं ग्राम जवाली से हूँ और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ब्लॉक इकाई डबरा का अध्यक्ष हूँ। आज SDM साहब को ज्ञापन जनक पाठक के द्वारा एक दुष्कर्म किया गया है एक SC महिला के साथ, उसके ज्ञापन को आज SDM साहब को दिए गए हैं और आज के ही दिन पूरे हमारे जिला के सभी ब्लॉक वाले ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं और 19 तारीख को जिला में ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए हमारी मांग है। रतन लाल टंडन है, मैं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ब्लॉक इकाई डबरा का कोषाध्यक्ष हूं और आज मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए हैं SDM साहब को कि दुष्कर्म के आरोपी जनक पाठक तत्कालीन जांजगीर जिला कलेक्टर को तत्काल गिरफ्तार करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जा सकता है।